Press the bell icon for all the updates. वही जैसे मैंने स्टेज पे कहा, जब हम सब स्टेज पे थे, पूरी तरह से कन्विंस था ना कि मैं नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता अगर डेट के प्रॉब्लम्स होने वाले हैं. लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जैसे ही मैंने शबीना से कॉन्सेप्ट सुना, विद इन 5 or 10 minutes आई सेड वी हैव टू डू दिस. और ऐसे ऐसे मौके कम आते हैं, सो व्हेन दे कम यू हैव टू ग्रैब इट. तो दिस शो कैन मेक अ डिफरेंस. तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला है, तो ऑब्वियसली लेना पड़ा. सर, जैसे कि आपने ये शो डिबेट ज़्यादा होगा, क्या सल्यूशन भी दे पाएगा? क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, सेकेंड स्टोरी दिखाया गया है, एक सिस्टम ख़राब है हमारे. अगर आप कंट्री का भी देखें तो हेल्थ सिस्टम में इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर गरीबों के लिए इंश्योरेंस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल. तो क्या सल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है? हमारा काम ये नहीं है कि सोल्यूशन प्रोवाइड करें. हम किसी को ज्ञान नहीं देना चाहते या प्रीचिंग नहीं करना चाहते कि ऐसा करो. हम चाहते हैं कि ऐसे टॉपिक्स पर लोग चर्चा करें, डिस्कशंस करें, अपने अपने राय पेश करें और थोड़ा बहुत सोचें. दैट इज़ द मोटिव ऑफ दिस शो. ये नहीं कि भाई हर चीज़ का सोल्यूशन, हम नहीं कह रहे कि हम लोगों को सोल्यूशन पता है सब चीज़ का, नहीं. लेकिन हम चाहते हैं कि इसके ज़रिए लोग थोड़ा सा सोचें उन मामलों में जहाँ पर अभी तक शायद नहीं सोचा है. दैट्स इट. आवर जॉब इज नॉट टू गिव सॉल्यूशंस, आवर जॉब इज जस्ट टू हैव डिस्कशंस एंड मेक पीपल थिंक. अभी फिलहाल तो ये शो करके बहुत खुश हूँ, बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस शो. और इसके अलावा और कुछ करना टीवी पर मुश्किल लग रहा है फॉर नाउ, बिकॉज आई हैव टू मच ऑन माई प्लेट. तो एक फिल्म भी चल रही है मेरी जो अक्टूबर में रिलीज होगी, वेब सीरीज़ का भी सीज़न 3 भी शुरू करना है मुझे. सो ऑलरेडी देर आर पीपल वेटिंग फॉर माई डेट्स. फिल्म के बाद वेब सीरीज़ करूँगा. सो बिकॉज ऑफ दैट टेकिंग एनीथिंग ऑन टीवी राइट नाउ इज़ डिफिकल्ट. या प्रीटी मच. बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत नर्वसनेस भी है, बिकॉज बहुत अलग कॉन्सेप्ट है. पहली बार देश देखेगा ऐसा कॉन्सेप्ट. लेकिन बहुत प्राउड फीलिंग भी आ रही है. लेकिन नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है, बट बहुत प्राउड फीलिंग भी आ रही है. मेरे बच्चे मेरा बहुत कम काम देखते हैं, बट ये शो मैं चाहूँगा मेरे बच्चे देखें, बिकॉज दिस इज अ शो आई एम वेरी वेरी प्राउड. वो फीलिंग आ रही है. ओके सर, जैसा आपने कहा कि आर्ग्यूमेंट काफ़ी हीट अप हो जाती है, तो एज अ होस्ट आपको स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है अपनी राय देने में, तो वो कितना डिफिकल्ट हो रहा है आपके लिए? दिस शो इज़ कम्प्लीटली स्पॉन्टेनियस. किसी को कुछ नहीं पता कि ऑडियंस किस तरफ जाएगी, क्या डिस्कशन होंगे, कौन रोएगा, कौन हंसेगा, कौन झगड़ा करेगा. सो यस, आई हैव टू बी स्पॉन्टेनियस, आई हैव टू बी ऑन माई टोज, एंड इसीलिए मज़ा आ रहा है, बिकॉज यू नो नथिंग इज़ प्लान. हम लोग एक्टर्स लोग जब प्लान करते हैं, रिहर्सल्स करते हैं और एक्टिंग करते हैं, राइट, सब चीज़ प्लान्ड होती है. इसमें कुछ भी प्लान नहीं है, तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज आई लव द चैलेंज कि भाई आज क्या होने वाला है, चलो साथ में देखते हैं. लेकिन ऐसे सीरियस मुद्दों पर राय देना आपके लिए, मतलब? नहीं, देखिए मैं राय नहीं देता, बिकॉज माई जॉब इज़ नॉट टू गिव सॉल्यूशंस और टू गिव माई टॉपिक. मेरा काम है लोगों से बातचीत कराना, डिस्कशंस करना. सो दैट इज़ व्हाट आई डू. नहीं, नॉट रियली. जैसे कि मैंने कहा कि मेरी जिंदगी में इतना इम्पोर्टेंट कोई क्रॉस रोड अभी तक आया नहीं, यू नो, जहाँ पर इस तरफ जाऊँ या इस तरफ जाऊँ, जाए नहीं है. हमेशा जब भी कोई इंटरेस्टिंग मोड आया है, द आंसर इज ऑलवेज बिन मोर लेस क्वाइट क्लियर फॉर मी. सो you must be feel lucky for this. Yeah, I feel very very lucky. I feel very blessed. ऐसा कोई इंसिडेंट अभी तक जो शूट के जाकर आपको लगा कि आपके आसपास में ऐसा हो चुका है, and you know what the answer is, what good one is. एक तो ऑलमोस्ट एवरी एपिसोड में बहुत रिलेटेबल फीलिंग आती है, तो यस, वी ऑलमोस्ट एवरी एपिसोड में ये फीलिंग आती है कि हाँ यार, ये
इसके साथ हुआ है या ये मेरे किसी दोस्त के साथ हुआ है, बट दैट डज नॉट मीन दैट वी हैव द आंसर्स, है ना. वी कैन शेयर आर एक्सपीरियंसेस, वी कैन टॉक अबाउट इट, वी कैन डिस्कस इट, बट वी आर नॉट सेइंग कि भाई वी हैव ऑल द आंसर्स, है ना. एंड द पॉइंट ऑफ द शो इज ऑल्सो कि भाई एपिसोड देखो और उसके बाद आपको आंसर मिलेगा नहीं. एपिसोड देखो और अपना दिमाग थोड़ा सा खोलो. मे बी थ्रू अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस यू गेट टू नो समथिंग दैट हैज कम इन टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम. दैट इज द गोल. अरे बाप रे, और डीप सवाल है. नहीं यार, मेरा लाइफ लेसन हमेशा से एक ही है, लिव एंड लेट लिव. यार अपनी जिंदगी जियो और दूसरों को जीने दो. दैट इज हाउ आई हैव ऑलवेज लिव माई लाइफ एंड दैट इज वॉट आई वॉन्ट टीच माई चिल्ड्रन ऑल्सो. खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो. That's it. ओके लास्टली जाते जाते जैसे आपकी फैन फॉलोइंग वी ऑल नो सेट ऑफ ऑडियंस है आपकी, तो उनके लिए इस शो के बारे में आप क्या लास्टली कोरिया मैसेज देना चाहेंगे? मेरे सारे फैन बेस को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने हमेशा मुझे कोई किरदार निभाते हुए देखा है दूसरे शोज में या मूवीज में. यहाँ पर आप लोगों को मैं खुद दिखने वाला हूँ. मैं कोई किरदार नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट एक्टिंग. दिस इज़ राम कपूर जस्ट बीइंग राम कपूर. एंड मैं गारंटी कर देता हूँ कि बहुत मज़ा आने वाला है. एंड थोड़ी सी इमोशंस भी होंगी, बहुत सारी मस्ती होंगी. एंड आई जस्ट होप दैट यू गाइस लाइक एंड आई होप दैट वी कैन मैनेज टू मेक यू गाइस थिंक अ लिटिल बिट. दैट्स इट. थैंक यू गाइस. थैंक यू.